हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा, वो भी क्लास 9th का। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए नए वीडियोस आपके पास जल्दी जल्दी आते रहें। हाँ, आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बायो डाइवर्सिटी। बायो मीन्स जैव, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, जैव विविधता। ये बायो डाइवर्सिटी होता क्या है? अलग अलग जीव जंतु की अलग अलग विशेषताएँ होती हैं, इसी को बायो डाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये सब जो दिख रहा है ना, ये क्लासिफिकेशन है। और ये क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है और क्लासिफिकेशन होता क्या है, आइए हम बात करते हैं। एक्चुअली क्लासिफिकेशन इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि इस अर्थ में इतनी वैरायटीज पाई जाती हैं जिन्हें एक साथ पाना असंभव है, इस वजह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन इस वजह से किया जाता है शेप साइज के, जानवरों के शेप और साइज को देख के, टेक्सचर नेचर को देख के। जैसे शेर है, कैट है, ये सब अलग अलग जीव के अलग अलग चीज़ क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कैसे रहते हैं, रहन सहन, हर चीज़ को देख के क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार क्लासिफिकेशन किया जाता है, किंगडम, फाइलम, क्लासेस, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो अभी इन सब के बारे में बेसिकली नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखिए, ये याद रखना ही काफ़ी है नाइन्थ में, नाइन्थ लेवल पर। तो किंगडम को एक्चुअली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एक वर्ड आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर होता क्या है? नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना किसी का, किसी जीव का साइंटिफिक नेम निकालना। जैसे कि डॉग का साइंटिफिक नेम कैनाइन फैमिलियर। रुकना, नोमेनक्लेचर यानी नामकरण करना, किसी जीव का साइंटिफिक नेम निकालना। जैसे डॉग का साइंटिफिक नेम कैनाइन फैमिलियर। अब हम ये क्यों निकालते हैं, क्यों नोमेनक्लेचर करते हैं? क्योंकि जैसे एक ही जीव को इस अर्थ पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि आप इंडिया में चले जाइए तो कुत्ता कहेंगे, अमेरिका में चले जाइए तो डॉग कहेंगे, बांग्लादेश में चले जाइए तो वही नाई कहेंगे। ये इसका मतलब एक ही है, डॉग ही है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक पर्टिकुलर नेम डिसाइड किया जाता है जिन्हें साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो वही किसी जीव का साइंटिफिक नेम निकालने की प्रक्रिया को नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये कैसे निकालते हैं? एक्चुअली निकालते ही हैं, मान लीजिए साइंटिफिक नेम है किसी जीव का निकालना, डॉग का। जैसे डॉग का साइंटिफिक नेम क्रोविस क्रोन, नहीं सॉरी, डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? डॉग का साइंटिफिक नेम है कैनाइन फैमिलियर। तो ये जो फर्स्ट जो लेटर है ये कैपिटल लेटर होगा और ये जो सेकंड जो लेटर है वो कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल लेटर में होगा। फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकेंड ने फर्स्ट वर्ड का जो पहला शब्द है ये कैपिटल होगा और इसका ये स्मॉल लेटर, ऐसे लिखा जाता है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनविलिया में डिफरेंट। ये मोनेरा होते हैं, ये यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर और ईकैरियोटिक होते हैं। फंजाई मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांटी ये भी मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। एनिमेलिया भी मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। ये एनिमेलिया तो एनिमेलिया तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि मोनेरा की प्रॉपर्टी लिखिए, तो ये लिखेंगे कि ये यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा की ये लिखेंगे सारे, ये सब। फंजाई और प्लांटी में डिफरेंट बस यही है, जो फंजाई होते हैं ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं और जो प्लांटी होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हमें ये दोनों के बारे में डीपली पढ़ना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो फाइलम है, फाइलम यदि एनिमल का बात करें तो फाइलम बोलेंगे और प्लांट का बात करें तो डिवीजन बोलेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं प्लांटी, तो हम इरेज करते हैं प्लांटी। प्लांटी में सारे प्लांट्स बॉडी आते हैं। तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगेम एंड फेनेरोगेम। क्रिप्टोगेम वह प्लांट जिसके सीड डेवलप नहीं है, इसमें वो प्लांट रहते हैं जिनमें सीड डेवलप नहीं होते हैं, और फेनेरोगेम में वो प्लांट आते हैं जिनमें सीड डेवलप होते हैं। ये इनका बेसिक डिफरेंट है, इनमें सीड नहीं होता है, इनमें सीड होते हैं। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रीडोफाइटा। थैलोफाइटा में प्लांट का बॉडी होता है वो थैलस होता है। थैलस मीन्स नॉट डिफरेंटिएटेड। जैसे ये है, इनमें आपको पता चल रहा है कौन लीव है, कौन रूट है, कौन स्टेम है, नहीं, तो ऐसे बॉडी को थैलस बॉडी कहते हैं।
थैलोफाइटा में थैलस बॉडी होता है, थैलस बॉडी, इनमें वेस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं होता है, वेस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं। वेस्कुलर सिस्टम आप लोग जानते ही होंगे, जो वाटर जाइलम फ्लोएम, इसमें वेस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं होता, बॉडी थैलस होती है। एग्जाम्पल एल्गी, ब्रायोफाइटा, इसमें आपका थैलस बॉडी नहीं होता है, बॉडी डिफरेंटिएटेड होता है, स्टेम लीव एंड ब्रांच में बॉडी पता चलती है, इनमें बॉडी डिफरेंटिएटेड होता है ब्रांचेज में, स्टेम में एंड लीव में, लेकिन इसमें रूट नहीं डेवलप होता है। रूट ना डेवलप होने के कारण इसमें वेस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं होता है, यानी वेस्कुलर सिस्टम ब्रायोफाइटा में नहीं डेवलप होते हैं। इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि इसे जिंदा रहने के लिए वाटर और एयर दोनों चाहिए, तो इस वजह से ये मॉस्टी प्लेस पर उगता है, मॉइस्चराइज जगह पर, जैसे इसका इसी के कारण इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी की वजह से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एग्जाम्पल रिक्का, एक और एग्जाम्पल है मोसेस, ये सब एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइटा के, इनमें रूट नहीं डेवलप होता। ये दोस्तों याद रखिए, मैं बार बार इस वजह कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन ट्रीडोफाइटा इसमें बॉडी डिफरेंटिएटेड होता है, इसमें पता चलता है लीव स्टेम एंड रूट, रूट होने के कारण इसमें वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होते हैं। ट्रीडोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होते हैं और बॉडी डिफरेंटिएटेड होता है, स्टेम रूट सब चीज़ का पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल है फर्न, पता चल गया इसमें, ये कुछ इसके हैं। अब इसके आते हैं फेनेरोगैम में, फेनेरोगैम में सीड डेवलप होते हैं और इसके टू पार्ट हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इसमें सीड होता है, वो नेगेटेड होता है, दिखाई देता है, फ्रूट से कवर नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में प्लांट है, उसका जो सीड फ्रूट से नहीं कवर होता है, वैसे प्लांट को जिम्नोस्पर्म में रखा गया। जैसे एग्जाम्पल कोकोनट, साइकस, ये सब एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म के। ये जो कोकोनट नारियल खाते हैं ना, वो उसका सीड खाते हैं, ये फ्रूट से कवर नहीं होते उसके सीड। एंजियोस्पर्म, इसमें जो सीड होता है वो फ्रूट से कवर रहता है। जैसे एग्जाम्पल है मैंगो मिल जाएगा, पपाया मिल जाएगा, एप्पल मिल जाएगा, जितने आप खाएँ दूसरे एंजियोस्पर्म के मिल जाएंगे। इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनोकॉट एंड डाईकॉट। मोनोकॉट एक्चुअली होता है सीड, यदि सीड का एक ही सिमेट्री है, यदि सीड है वन, इसे मोनोकॉट कहेंगे, यदि यही सीड ऐसे दो ठो है तो उसे डाईकॉट कहेंगे। यानी बार और समझिए, यदि एक है सिंगल सीड, इसे कॉटलीडॉन कहते हैं, यदि एक कॉटलीडॉन है तो इसे मोनोकॉट कहेंगे, यदि दो है तो इसे डाईकॉट कहेंगे। दो ऐसे करके सिंगल को क्या कहते हैं, मोनोकॉट, और डबल को डाईकॉट। जैसे मोनोकॉट के एग्जाम्पल वीट, जैसे एग्जाम्पल है वीट गेहूँ, और इसकी एग्जाम्पल है मैंगो। ये दोनों आपको आश्चर्यचकित लगेंगे, क्योंकि देखिए जो गेहूँ होता है उसमें लगता है ना टू पार्ट में डिवाइड है, लेकिन वो टू पार्ट में डिवाइड नहीं रहता, वो एक डिजाइन बना रहता है, डिवाइड करता है, उसमें टू कार्ट लीडान नहीं होते, एक ही होता है। मैंगो इस ये लगता है एक ही सीड है, लेकिन कभी आपने फोड़ा है इसमें दो दो सीड लगेंगे बीच से। तो ये एग्जाम्पल है मोनो काट के डाई काट के, इसमें एक ही काट लीडान होते हैं, इसमें दो काट लीडान होते हैं। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मोनो काट है, ये डाई काट है? तो कुछ सिंपल भी में पता करते हैं, ये आप ही के फायदेमंद होगा। जैसे मोनो काट और डाई काट, मोनो काट में जो रूट होता है प्लांट का वो फाइब्रस रूट होता है, एकदम इस तरह होते हैं रूट, और जो डाई काट में जो प्लांट का रूट होता है वो टैप रूट होता है, इस तरह आके ख़त्म हो जाते हैं। और इसके जो लीव होते हैं पैरेलल वेरिएशन होते हैं, पैरेलल ऐसे ऐसे होते हैं, और जो इसके होते हैं लीव वो रेटिकुलम वेरिएशन के होते हैं, उसमें वेन्स ऐसे ऐसे होते हैं खूब ढेर सारी, रेटिकुलम वेरिएशन होते हैं। यानी वह यदि आप प्लांट ले रहे हैं, देखें कि उसका जड़ है वो फाइब्रस रूट है, एकदम ऐसे ऐसे है, तो आप पता लगा लेंगे आसानी से मोनोकॉट है। यदि आप देख रहे हैं ये टैप रूट है एक लंबे में है, तो आप पता लगा लेंगे ये डाईकॉट है। यदि इसका लीव्स है ये पैरेलल वेरिएशन है, ऐसे लंबे लंबे हैं, ऐसे पतले पतले ढेर सारे, तो
तब पता लगा लेंगे ये मोनोकॉट है। यदि लीव के कुछ ऐसे वेंस हैं जो ऐसे ऐसे करके ईस्ट शेप में ऐसे लीव है, इसके जो वेंस हैं ऐसे ऐसे ढेर सारे निकले हैं, तब पता लगा लेंगे ये डाइकॉट है। तो ये अभी प्लांटिंग के बारे में पढ़े, अब आते हैं एनिमलिया के बारे में जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है।